So hello everybody and welcome to my YouTube channel Tarun ke vlog. So ladies and boys and girls, ek baar fir se filhal shaam ke 5 baje aasman mein chhaye hue thode se badal, thodi si ho rahi hai barish, lekin main yani ki Tarun Poet ek baar fir se lekar aapke liye naya video. So guys, aaj hum log dekh kar aaye hain movie, wo hai Chhichhore. So Chhichhore movie ki kafi baat aajkal ho rahi hai aur charcha mein kafi ye dekhne ko mil rahi hai. Movie ki agar baat kare to movie ke characters ke bare mein aapko pehle batata hu. Movie ke characters hain Sushant Singh Rajput as Annie, Shraddha Kapoor as Maya, Varun Sharma as Sexa, Naveen Pauly Shetty as Acid, Tushar Pandey as Mummy, Tahir Raj Basim as Derek, Saharsh Kumar Shukla as Bevda. So ye inke naam diye gaye hain is prakar ke, aur naam dekh ke aapko lag raha hoga ki movie ke andar kafi bahut kuch interesting hai, kyunki movie based hai college life aur campus life ke upar. To jahan par hum log sabhi bakhoobi jante hain ki is duran sabke ek alag alag naam rakh dete hain, yahan tak ki hum to teachers ke naam bhi is tarah se rakh dete hain, aur yahan par sab doston ne aapas mein ek dusre ke is prakar ke naam rakhe hote hain. To chaliye movie ki agar baat karte hain to movie banayi hai Nitesh Tiwari ji ne, jinhone Dangal movie banayi hai, aur sath hi sath Bhootnath bhi unhone direct ki hai, Bhootnath Returns. और दंगल एक अलग ही टॉपिक है और ये मूवी एक अलग ही टॉपिक है. हालांकि ये में बात किए गए ज़्यादातर स्टूडेंट्स लाइफ के ऊपर, लेकिन स्टूडेंट्स में भी बड़े स्टूडेंट्स की लाइफ पर काफ़ी लोग इस मूवी को थ्री इडियट्स से भी कंपेयर कर रहे हैं कि थ्री इडियट्स के जैसा इसके अंदर मैसेज है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर मैसेज में चेंजेस है. मूवी के अंदर थोड़ा एक अलग ही अच्छा सा मैसेज है. लास्ट के अंदर मूवी के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज देखने को मिलता है. मूवी के अंदर आपको एक इमोशनल पार्ट भी मिलता है, और भरपूर मात्रा में जो आपको मिलता है वो है इस मूवी का कॉमिक सेंस, कॉमेडी. वरुण शर्मा को इस मूवी में देखने के बाद में आप काफ़ी ज़्यादा और भी पसंद करने लग जाएंगे. वैसे आप सब लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वरुण शर्मा को अपनी कॉमेडी के बारे में काफी जाने जाते हैं. और एआई भी जो लोग देखते थे, यानी कि नवीन पॉली शेट्टी को जो लोग यूट्यूब के जरिए जानते हैं, वो भी इस मूवी में आपको काफी अच्छा रोल करते हुए दिखेंगे. हालांकि मूवी के अंदर लोगों ने यह कहा है कि मूवी के अंदर आपको कोई भी सोलो आर्टिस्ट नहीं दिखेगा, यानी कि सिर्फ किसी एक के ऊपर पिक्चर घूम रही है, ऐसा आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा. मूवी आपको हर बार यही देखने को लगेगा कि हर किसी के ऊपर, हर किसी कैरेक्टर के इर्द गिर्द मूवी घूम रही है. कोई भी इंडिविजुअल कैरेक्टर इसमें लीड नहीं कर रहा, हर किसी के अपने अपने कैरेक्टर हैं. और इंजीनियर लाइफ के स्टूडेंट इस मूवी से काफ़ी अच्छा रिलेट करेंगे, क्योंकि इंजीनियर लाइफ में जैसे कि कहा गया है, और बहुत जने बोलते भी जो इंजीनियर हैं, मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो ये बोलते हैं कि इंजीनियर लाइफ में हमें लड़कियां बहुत कम देखने को मिलती हैं. सो यहां पे भी मूवी के अंदर देखा जाए तो इतने लड़कों के बीच में सिर्फ एक ही हीरोइन है, वो है श्रद्धा कपूर. तो यहाँ पर भी वो वाला फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा. और साथ ही साथ जो लोगों ने अपनी लाइफ बिताई है कैंपस में, यानी कि हॉस्टल में, तो हॉस्टलर्स को ये लाइफ में अपने काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेंगे. अपनी ज़िंदगी उन्होंने किस तरह से बिताई है, या लोग जो बिता रहे हैं वो इस मूवी से काफ़ी लोग रिलेट करेंगे. मूवी की कहानी की अगर बात करें तो मूवी कहानी के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे जो दोस्त होते हैं वो 20 साल बाद एक रियूनियन के रूप में मिलते हैं एक इंसिडेंट होने के बाद. सो इंसिडेंट कुछ ऐसा होता है कि जो उन सभी दोस्तों को लाके एक साथ खड़ा कर देता है. सो एक साथ दोस्त जब मिलते हैं तो क्या होती है धमाल, क्या करते हैं, अपनी पुरानी यादें ताज़ा, जैसे कि हम भी कभी मिलते हैं दोस्तों के साथ में तो अपनी पुरानी बातें कर ही लिया करते हैं, उसी प्रकार से ये लोग भी आपस में जब मिलते हैं तो अपनी स्कूल लाइफ, अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में ये बात करना शुरू कर देते, और वहाँ से कहानी और ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ती जाती है. मूवी के अंदर है काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी, कुछ इमोशनल सीन ऐसे भी हैं, खासतौर पर हॉस्पिटल वाला सीन जो आप देखेंगे तो आपको कुछ देर के लिए इमोशनल कर देगा. और मूवी का एंड जो है, वैसे आप जब मूवी देखेंगे तो आपको लगेगा मूवी एक लाइट वेट में होके खत्म हो जाएगी, हाँ ठीक है हंसी मजाक हुआ और खत्म हो गई, लेकिन 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 नितेश तिवारी जी को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो काफ़ी कमाल के डायरेक्टर है, और उनका डायरेक्शन और यहाँ पे स्टोरी स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है. क्योंकि मूवी के एंड में जो स्टोरी की आपको टैगलाइन या मूवी का जो मैसेज अगर मैं कहूँ आपको देखने को मिलता है, जो आपको घर जाके और भी सोचने में मजबूर करेगा, एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज. मैं मैसेज यहाँ रिवील नहीं करूँगा क्योंकि मैसेज काफ़ी अच्छा है मूवी के अंदर. तो कुल मिला के अगर मैं इस मूवी के बारे में बात करूँ तो एक मस्ट वॉच मूवी है ये. आफ्टर मेकिंग भूतनाथ रिटर्न्स, दंगल, नितेश तिवारी इज अगेन बैंग ऑन. मूवी के लिए पब्लिक के रिव्यूज़ और मेरा रिव्यू अगर मैं दूँ तो मूवी को मैं 5 स्टार में से दूंगा 4.5 स्टार्स, क्योंकि मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है, मूवी का स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा है, कहीं भी आप बोर नहीं होंगे, कोई भी ऐसा सेक्शन आएगा नहीं जहाँ पे आपको लगे कि यार नहीं बस अब मूवी खत्म हो गई अब चलते हैं अपन, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा. मूवी में हर पल आपको एक नया इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, और कहानी धीरे धीरे अनफोल्ड होती हुई आगे बढ़ती जाएगी, और इस मूवी में आपका इंटरेस्ट बनता ही जाएगा.
सो इस मूवी को मैं दूंगा 4.5 स्टार। इस मूवी को आप ज़रूर जाके देखें, आप फैमिली के साथ भी जाके देख सकते हैं, बशर्ते आपका फैमिली एटमोसफियर कैसा है कि आप थोड़ी बहुत फ्रीनेस बातें कर सकते हैं। तो येस, यू कैन वॉच इट विथ योर फैमिली ऑल्सो। सो एक फुली एंटरटेनमेंट पिक्चर है। 4.5 अगर स्टार्स को मिल रहे हैं या हम दे रहे हैं या लोग भी अगर इसको दे रहे हैं, तो ये मूवी एक ज़रूर मस्ट वॉच मूवी है। सो जाइए मूवी देखिए, मुझे कमेंट करके बताइए नीचे कि कैसी लगी आपको ये मूवी। सो गाइज, जाने से पहले आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि हमारा व्लॉग चैनल और हम व्लॉगिंग भी करते हैं, हम लोग रिव्यू भी करते हैं और हम लोग एक नया शो भी लेकर आए हैं जिसका नाम है जेब बात। आप देख सकते हैं उस एपिसोड को भी, आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। सो जाने से पहले आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी एक बार हिट करके जाइएगा ताकि इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज तरुण पॉइंट signing off. Bye-bye.